तुम्हारे टर्म टू का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तुमसे ज्यादा परेशानी मेरी बढ़ रही है। मेरे इस समय की सिचुएशन तुम्हें से एक भी बच्चा का समझ गया ना, एक भी बच्चा अगर उस सिचुएशन को टच कर गया, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, जो लाखों बच्चे हजारों बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं ना कि भैया एक मोटिवेशन वीडियो बना दो, एक मोटिवेशन वीडियो बना दो, बस एग्जाम आने वाला, आपने आज तक एक भी मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाई, एक मोटिवेशन बना दो। देख भाई, तुम्हारे टर्म टू का एग्जाम है, तुम्हें लिखने जाना है, लेकिन तुमसे ज्यादा परेशानी मेरे को क्यों है? क्योंकि मेरे पास जो 50 से 60 हज़ार बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो मेरे को रेगुलर देखने आ रहे हैं, उनको क्या अगर मैं जो भी उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ, वो एग्जाम में आने चाहिए। ये मेरे पे जिम्मेदारी है 100% एक्यूरेसी के साथ, 98-99 में नहीं चलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, उनको टर्म टू आने से पहले जो जो चीजें चाहिए, आपको भी नहीं पता आपको मेरे से क्या चाहिए, बस आप मेरे को ला करके दो। ये मेरी सिचुएशन है, आपको मैं जो ला करके दूंगा ना, वो आपको भी एक्सपेक्ट नहीं है, बस आपको चाहिए जो जो टर्म टू के एग्जाम से पहले। तो मेरे को खुद सोचना है क्या चीज़ें करनी है, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट और एक क्रूशल टाइम है। और अगर तुम यार देखो, अगर अभी भी तुम सीरियस नहीं हो ना अपने टर्म टू के एग्जाम को लेकर के, बच्चे क्या बोलते हैं मेरे को, भैया ये कोई जेई मेंस का एग्जाम थोड़ी ना है, टर्म टू का एग्जाम है। भाई तुम एक काम कर ले, तुम्हें मजे करने हैं, तुम कर लो। टर्म टू का एग्जाम तो छोटा मोटा सा होता है, तुम एक बार कर लो। टर्म टू में तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे क्लास 10 के अंदर, क्लास 11 के अंदर तुम्हारी मनपसंद की स्ट्रीम नहीं मिलने वाली, क्लास 12 के अंदर अगर तुम हो, तुम्हारे टर्म टू के अंदर बहुत ही कम मार्क्स आए, क्लास 12 में तुम्हारे बहुत ही कम मार्क्स आ गए, कॉलेज में एडमिशन बेसक बात की बात है, तुम्हें यहाँ पे एंट्रेंस बेस पे मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारी परसेंटेज मैटर करेगी, उस टाइम पे तुम लोग को बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। इस चीज को सुन रहे हो तुम इस टाइम पे चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम अपने टर्म टू के एग्जाम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो बच्चा नेगलेक्ट कर रहा है ना, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा पछताएगा, और 100% पछताएगा। भाई देख, तुम्हारे मार्क्स मैटर तुम लोग के लिए करेंगे, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करने वाला। कल को अगर तुम फेल हो जाते हो, तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी इस दुनिया में किसी को नहीं होगी, तुम्हारे मम्मी पापा को भी नहीं होगी, वो तुम्हें डांट देंगे, मार देंगे, दो चार चांटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो एक बार छप गया उसको तुम बदल नहीं सकते, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम बदल सकते हो अपनी सारी लकीरों को, जो भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना उसको बदल सकते हो, तुम उसको और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। तुम एक्सपेक्ट करो 70, तुम 80 नहीं 90 प्लस कर सकते हो। परेशान मत हो टर्म वन के एग्जाम को देख करके, टर्म वन में तुम्हारे 40% आए हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर तुमने आज ठान लिया तो 98% को स्कोर कर सकते हो। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो अपने टाइम को वेस्ट करके, दबा करके वेस्ट करके, अपने रिजल्ट वाले दिन कांपते हुए शरीर नहीं, चौड़े वाले शरीर रखना, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप जो तुमसे रिजल्ट मांगेंगे ना, उस समय दिखाना कि मैंने टाइम वेस्ट किया था इसलिए मेरे कम रिजल्ट है। ये चीज याद रखना, क्योंकि तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं हूँ। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें मोटिवेशन दे दिया, तुम्हें याद दिला दी तुम्हारी शक्तियाँ, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रावण की तरह रहते हो या फिर हनुमान जी की तरह। जामन जी ने जब हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई, हनुमान जी ने आराम से सुना और उसका पालन करा, तभी उनको शक्तियाँ याद आने के बाद वो सीता माता का पता लगा करके वापिस आए। रावण उसने क्या करा, उसको सब लोग समझा रहे थे कि मत करो बैर, मत करो, सीता माता को छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ना है। एट दी एंड उसके साथ क्या हुआ आप लोग जानते हो, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम क्या करते हो, या तो तुम फेल हो जाओ, कम मार्क्स आए, तुम्हारी मर्जी है, मेरे को नहीं पता।